उसका दुश्मन कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। आज इतनी भीड़ है उसके लिए, इतने ढूंढ रहे हैं, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, सारे लोग मेरे बच्चे को ढूंढने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि वो मेरा बच्चा बहुत नेक है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं जब तक मेरे को ऐसा लगे नहीं मेरे बच्चे को कोई पकड़ के नहीं रखेगा, मैं समझूंगी नहीं। बस ऐसा कोई एक इंसान मिल जाए कि वो मेरे बच्चे को पकड़ के ऐसा बैठाए और मेरे को फ़ोन लगाए, उसके पापा लोगों को, उसके भाई बंधों को फ़ोन लगा के बोले कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और तुम यहाँ आके लेके जाओ, तब मैं दिल को मेरे सुकून आएगा। इस दुनिया के किसी भी माँ बाप से अगर आप पूछेंगे कि आपके लिए आपकी सबसे अनमोल रत्न क्या है, तो वो अपने बेटों, अपने बच्चों का ही नाम लेंगे। अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो वो भी अपने माँ बाप के प्रति उतने ही मुतासिर रहते हैं। मगर मोहम्मद साजिद नाम का एक युवक जो 25 तारीख को अपने घर से निकलता है, और आज की तारीख आपको मालूम है, आज की तारीख तक वो घर वापस लौटता नहीं है। मेरे साथ उनकी माँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी यहाँ से 10:30 बजे वो नाश्ता करके निकला था, बस फिर उसके बाद से फिर वो आया ही नहीं है। सुबह मंगलवार के 10:30 बजे वो निकला यहाँ से, और यहाँ से निकला तो ये उसके बड़े पापा है, उसके बड़े पापा के घर पे गया वो, थोड़ी देर वहाँ 10 मिनट खड़े रहा, खेला, उसके बाद से बस वो पीछे की साइड से जो निकला तो फिर रिटर्न यहाँ नहीं आया, वो आया ही नहीं, वापस नहीं आया। और ये ऐसी घटना पहली बार हुई है, इससे पहले भी वो घर से बाहर जा चुका है कभी? ऐसा पहली बार है, ये ऐसी घटना पहली बार हुई है। कहीं पर भी मेरा बच्चा जाता है तो वो वापस आ जाता है, उसको आदत है, 5 बजे खाना खाने की आदत है उसको, तो वो 4:30 बजे घर पर आ जाता है। लाख कितना भी घूमेगा ना, 4:30 बजे घर पर आ जाएगा। साजिद की उम्र क्या थी? साजिद की उम्र 13 साल। 13 साल। कौन से स्कूल में पढ़ाई करता था वो? मुखबदीर स्कूल में। जी, पहली बार ऐसा वो बाहर घूमने गया हुआ है कि रात भर ना आया हो? पहली बार ऐसा हुआ कि? कभी नहीं, कभी। उसके बाप के बिना उसको नींद नहीं आती, उसके पापा के बिना बिल्कुल भी उसको नींद नहीं आती है। आज पता नहीं कैसे वो सो जा रहा है, पता नहीं। तो किसी के ऊपर आपको शक हो कि किसी से झगड़ा लड़ाई हुआ होगा? नहीं है, उसका दुश्मन कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। आज इतनी भीड़ है उसके लिए, इतने ढूंढ रहे हैं, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, सारे लोग मेरे बच्चे को ढूंढने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि वो मेरा बच्चा बहुत नेक है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, सबसे मोहब्बती है वो, सबसे मोहब्बत करता है। और वो बच्चा, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे तक के आ जाए, बस मेरा बच्चा मेरे घर तक के आ जाए, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस के पास आप लोग गए, आप लोगों ने FIR लिखवाई? जी लिखाए, वहाँ पर लिखाए हैं। पुलिस भी बेचारे सब ढूंढ रहे हैं, वो भी बेचारे, उनकी फोर्स पूरी ढूंढ रही है, जगह जगह कैमरे में देखे हैं पुलिस वालों ने भी, सब जगह देखे और बहुत सारे कैमरे में चेक कर रहे हैं, लेकिन वो सब जगह नहीं दिखा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी कल से पता चल रहा है कि वो रेलवे स्टेशन में खबर है। कैसे मालूम पड़ा आपको कि वो रेलवे स्टेशन में रहा हुआ है? एक मांगने वाली बता रही थी, अब सब बस ऐसी अफवाहें बता रहे, घर तक के तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, बस एक से दूसरी बस कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो लेकिन साजिद घर से निकला हुआ था, कौन से रंग का कपड़ा पहना हुआ था वो? पोशाक क्या था? शर्ट थी उसकी, आंग में हाफ कलर का शर्ट है, ऐसा पिंक कलर का शर्ट है उसके आंग में, और ब्लैक कलर की लोअर है पट्टी वाली। जी, और ज़्यादा इसका साइज नहीं है, छोटा सा। जो आप बता रहे हैं रेलवे स्टेशन में जो काम करने, बड़ा बच्चा है, ऐसी दुबला पतला। जी, रेलवे स्टेशन में जो आप बता रहे हैं भीख मांगने वाले जो थी, वो बता रही थी कि शिनाख्त कैसे हुई कि वो साजिद ही है? वो जितने भी लोग हैं वहाँ पर के, जो मांगने वाले, जो समोसे वाले, केले वाले, वो सब लोग बोलते देखे हैं उसको। और एक मांगने वाली, वो भी बेचारी अच्छी है बेचारी, तो वो दुर्ग स्टेशन में उन्होंने बोली कि कल 11 बजे मैंने देखी हूँ करके, तो मेरे भतीजे ने उसकी फ़ोटो बताई कि ये बच्चा है क्या करके, तो वो बच्चा उनने देखी 10 मिनट तक और बोली हाँ भाई यही बच्चा है बोले। तो लेकिन जब वहाँ गए तो वो बच्चा वहाँ नहीं मिला, बच्चा मतलब बस खबर आ रही है और जा रहे तो वो गायब हो जा रहा है, तो क्या समझूंगी? मेरे को कुछ समझ में उस चीज़ के लिए नहीं आ रही। जब तक मेरे को ऐसा लगे नहीं मेरे बच्चे को कोई पकड़ के नहीं रखेगा, मैं समझूंगी नहीं। बस ऐसा कोई एक इंसान मिल जाए कि वो मेरे बच्चे को पकड़ के ऐसा बैठाए और मेरे को फ़ोन लगाए, उसके पापा लोगों को, उसके भाई बंधों को फ़ोन लगा के बोले कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और तुम यहाँ आके लेके जाओ, तब मैं दिल को मेरे सुकून आएगा। मेरे को ऐसा नहीं आ रहा, ये तो अफवाह, ये तो कोई बहुत से लोग तो उसको सता भी रहे हैं, जो बहुत से लोग हैं जो पता नहीं क्या है, तो वो दो तीन बच्चे जो सता रहे हैं कि पहले पैसे दे दो, इस पर पैसे लिखे हैं तो पैसे दे दो,
तो उसके बाद बहुत लोग फोन आ रहे थे पैसे दे दो, हाँ पैसे भी दे दो उसके बाद हम तुम्हारा बच्चा देंगे, बहुत से लोग। तो मैं विनती करती हूँ पहले मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो, आपको ज़रूरत है आप लेके जाओ, मेरे को पैसे का नहीं, मेरा बच्चा बस मेरे को मिल जाए बस। जैसे आप बता रहे रेलवे स्टेशन में बहुत लोगों ने जी साजिश को देखा है, तो वहाँ का सीसीटीवी खंगाला आप लोगों ने? जी जी सब नहीं, वहाँ का फुटेज अभी नहीं देखे है, नहीं वहाँ का कुछ भी नहीं, वहाँ का भी कुछ भी देखे नहीं है, वहाँ का बस रोड का भी देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ से बस वो स्टार्ट किया था वहाँ से देखते देखते देखते, अब वो पता नहीं अभी उसके पापा कहाँ तक के अभी है वो, अब क्योंकि थक गए हैं, अब थक गए हैं पूरा घूमते घूमते। एक दिन में 400 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ के बेचारे भाई बहन लोग जा रहे हैं गाड़ी से, एक दिन में 400 किलोमीटर दूर एक गाड़ी से दो दो तीन तीन लोग, तो सोचो कितने लोग हैं, वो 350-300 लोग हैं, 400 लोग मेरे बच्चे को ढूंढ रहे हैं, रात के 2 बजे रात तक के ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले भी और हमारे मेरे बच्चे के भी। मेरा बच्चा बहुत बड़े ख़ानदान का है, मैं बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ, तो इसीलिए मेरा बच्चे को बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। बस आपसे विनती है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो भी है बस मेरा बच्चे को ऐसा पकड़ ले और पकड़ के फ़ोन लगाए इस नंबर पे और बोले कि ये तुम्हारा बच्चा ही हमारे पास है, बस आ जाए, बस वही बहुत है मेरे लिए। ये साजिद की माँ है, साफ तौर पे आप भावुकता देख पा रहे होंगे और जाहिर है भावुकता तो होगी ही, इनका गुहार है पुलिस से भी। और अगर आप लोग भी उस बच्चे को देखते हैं, हम डिस्प्ले में उस बच्चे की तस्वीर लगा देंगे, कहीं भी अगर आपको वो बच्चा नज़र आता है तो आप ज़रूर पुलिस को फ़ोन लगाएं या फिर आप हमें भी फ़ोन लगा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। फरीदनगर से एक बच्चा जो है वो मिसिंग हुआ है, जिसकी पता तलाश लगातार जारी है, पुलिस सभी तरीके से सभी पहलुओं को देख रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चा बोल नहीं पाता है और सुन भी नहीं पाता है, उसके कारण थोड़ा सा अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चला, सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगातार देख रहे हैं। सूचना के आधार पर वो स्टेशन के आसपास में दो रात पहले देखा गया था, तो पुलिस ये भी अनुमान लगा रही है कि हो सकता है किसी ट्रेन पे बैठ के कहीं चला गया हो। उस आधार पे जीआरपी और आरपीएफ को भी सूचना किया गया है, सभी तरफ मिसिंग कंप्लेंट कराई गई है पुलिस चैनल्स पे, और जल्द ही बच्चे को अपन रिकवर कर लेंगे।